हरि ओम श्री राम अंबरिया। मैं अनुराधा वीरा विजय सिंह गुरु, मेरा उपासना केंद्र नाइजीरिया लेगोस। आज मैं जो मेरा अनुभव कहने जा रही हूँ वो मेरा लॉकडाउन का कोरोना काल का अनुभव है। हम लोग, मैं, मेरे पति और मेरी एक बेटी, हम नाइजीरिया में रह रहे थे और मेरी दो बेटियां जो है वो अपने स्कूलिंग के हेतु कोल्हापुर में हॉस्टल में रह रहे थे और हमें नहीं पता था कि आने वाले काल में क्या होने वाला है। और जैसे वो हॉस्टल में गए 1 मार्च से, उसके बाद 15 मार्च स्कूल से हमें नोटिस आया कि अभी लॉकडाउन चालू हो रहा है और सब बच्चों को गवर्नमेंट ने घर भेजने के लिए बोला है। तो वो लोग मेरी नानी के, मतलब उनके नानी के पास, मेरी माँ के पास चले गए और हम लोग नाइजीरिया में रह रहे थे। तो टाइम ऐसा हुआ कि कंटिन्यूस 1 साल से ऊपर हम लोग को ना इंडिया जाने मिला ना उनको नाइजीरिया वापस आने मिला, क्योंकि उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था और एयरपोर्ट शटडाउन था। जब इंडिया में कंडीशन वर्स होता था तब नाइजीरिया में कंडीशन अच्छा होता था, तो लोग इंडिया के बोलते थे आप मत आओ, बट जब नाइजीरिया में कंडीशन खराब होता था तो इंडिया में अच्छा होता। तो इस वजह से हमारा 2 साल तक जाना नहीं हुआ। लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ कि बच्चे हमसे दूर हो गए हैं, वहां पे अलग एनवायरमेंट में, अलग जगह में, अलग सब सिचुएशन में, टेंशन वाले माहौल में रह रहे हैं और हम लोग नाइजीरिया में थे। लेकिन एक था कि डैड का जो आशीर्वाद था, भरोसा था कि हम लोग एकदम निश्चिंत थे कि जब बापू हमारे लाइफ में है तो हमें डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ही विल लुक आफ्टर देम, मतलब उन लोगों का जो भी है हमने बापू के ऊपर छोड़ दिया था कि बच्चे वहां पे है उनका ध्यान रखना, जो भी है बापू आपके भरोसे हम लोग यहाँ पे निश्चिंत है। तो 2 साल में हमारा मिलना नहीं हुआ था और 2 साल ये बच्चे जो मेरे थे नानी के पास थे, वहां पे जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था मेरी मम्मी, मेरी दादी और ये दो बच्चे मेरी बहन के घर रहने गए। तो वहां पे बहुत बड़ा फैमिली था बहन का, उनके 4 लोग और ये 4 लोग इकट्ठा रह रहे थे और उनका जो बिजनेस था वो ग्रोसरी और इसका बिजनेस था। तो लॉकडाउन में ये इमरजेंसी सर्विसेज करके वो चालू था उनका शॉप, तो उनका डेली लोगों से मिलना जुलना सब कुछ होता था। बट मेरे बच्चे जब तक वहां पे थे साल भर तक, तब तक किसी को भी घर में कोरोना नहीं हुआ। इंस्पायर किए लोगों का सबसे मिलना जुलना, जाना आना, डेली लोगों से लेन देन होता था। बट बापू की कृपा थी कि इनको किसी को भी घर में, 8 लोगों में से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। और जब मेरे बच्चे, जब बीच में कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, वो शांत होने के बाद नानी के घर वापस चले गए, तो नानी के घर जाने के बाद भी 15 दिन के बाद मेरे जीजाजी को कोरोना डिटेक्ट हुआ। मतलब बापू ने इतना ध्यान रखा कि हम लोग वहां पे है तो टेंशन में आ सकते हैं कि बाबा फैमिली में एक को हुआ है तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन हुआ रहेगा नहीं रहेगा, ये सारे चिंताओं से, टेंशन से बापू ने हमको दूर रखा। एग्जैक्टली 15 दिन होने के बाद ही मेरे जीजाजी को कोरोना डिटेक्ट हुआ और बापू की कृपा से वो भी ठीक ठाक हो गए 15 दिन के ट्रीटमेंट में। मतलब कहने का ये है कि बापू कैसे हम लोग को, मतलब हर एक छोटी परेशानी से, चिंता से, मुश्किल से कैसे निकालते हैं। वो 8 दिन में भी इन्फेक्शन डिटेक्ट होता तो हम लोग कितना टेंशन में आ जाते कि अभी बूढ़ी दादी है, मम्मी भी एजिड है, तो बच्चे वहां छोटे हैं, तो कैसे करेंगे ये लोग अगर किसी एक को भी कोरोना होता है। तो ये सारा सारा प्रॉब्लम, सारी चिंताएं बापू ने 1 मिनट में दूर कर दी और सारा कुछ, मतलब बापू के भरोसे वो कोरोना टाइम भी, बच्चों का भी और हमारा भी बहुत अच्छे से भक्ति में, सुंदरकांड पठन में, डेली उपासना में, ऑनलाइन उपासना में बहुत अच्छे से किया। और इसके लिए बापू को मेरा सतशा नमन। हरिओम श्रीराम अंबद्य नाथ।